रसोई रिदम में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी ब्रेड पकौड़े। ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए हमने लिए हैं 1/2 किलो आलू, जो अच्छी तरह से उबाल लिए हैं। तेल में ट्रांसफ़र कर हम अच्छी तरह से मैश करेंगे। मैश करने से पहले हम मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक और उसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। देखिए आलू मैश होने लग गया है। अच्छी तरह से जब मैश हो जाए तो उसे हम साइड में रख देंगे। एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल के साथ में हमने लिए हैं 1 चम्मच सरसों और उसमें मिलाएंगे कटी हुई हरी मिर्च, 2 छोटे प्याज। अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फिर हम मिलाएंगे उसमें स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और उसको हल्की हाथों से भूनते रहेंगे। उसमें मिलाएंगे उबले हुए 200 ग्राम मटर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर। जब ये हल्के फ्राई हो जाएं, उसके बाद हम उसमें वो मैश किए हुए आलू मिला लेंगे। सारे आलू को डालने के बाद हम उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखें आंच हमेशा मध्यम रखें और अच्छी तरह से हर मसाले को उसके साथ मिक्स हो जाए। जब ये मिक्स हो गया उसके ऊपर से हम धनिया पत्ता डाल देंगे और इसको ठंडे होने के लिए एक बाउल में रख लेंगे। फिर हमने लिए हैं ब्रेड के स्लाइस और इस ठंडे आलू मसाला को हम गोल गोल लड्डू के आकार में बना लेंगे। सारे लड्डू के आकार के बन चुके हैं। फिर हम ब्रेड स्लाइस को हम पानी में हल्का सा डुबो कर उसको गोल गोल आकार में दबाएंगे। देखिए गोल एक क्रिस्पी ब्रेड पकौड़े का शेप लेता जा रहा है। इस तरह से हम सारे ब्रेड्स को उसी लड्डुओं के साथ बना लेंगे। हमारे चैनल पर आप इस तरह के नए नए वीडियो देखते रहेंगे। इसके लिए हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है, ताकि हमको प्रोत्साहन मिलता रहे। इस तरह से सारे लड्डू जब बन जाएं, फिर हमने तेल गर्म होने रख दिया है। तेल जब गर्म हो जाए उनको हम हल्के आंच पर फ्राई कर लेंगे। हमारी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आ रहे होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि हमको आगे और रेसिपी बनाने में उम्मीद और आशाएं जगती रहे। इस तरह से सारे जब क्रिस्पी ब्रेड पकौड़े फ्राई हो जाएं, तो उन्हें हम अलग से निकाल के रख लेंगे। देखिए हमारे सारे ब्रेड पकौड़े बनने लग गए हैं। ये ब्रेड पकौड़े आप बच्चों को दे सकते हैं, टिफिन में दे सकते हैं, नाश्ते में सुबह शाम किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और देखने में भरपूर मज़ेदार। प्लेटिंग की बारी। प्लेटिंग के लिए हमने 2 ब्रेड पकौड़े को काट लिए हैं, उसके ऊपर हल्का हल्का सॉस डाला है और फिर जो भी नमकीन आपके घर में उपलब्ध हो वो हम
उसके डाल देंगे। इस तरह तैयार है क्रिस्पी ब्रेड पकौड़े। हमारे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।